नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला कोलकाता हाईकोर्ट में 10 जुलाई को होगी सुनवाई। सिलीगुड़ी में अशिखर चौकी अंतर्गत ईस्टर्न बाईपास इलाके में लोकनाथ मंदिर के पास एक व्यक्ति की रहस्यमय मौत, हत्या है या दुर्घटना, पुलिस ने शुरू की इसकी जांच। गृह प्रवेश का बाजार करने गई महिला की सड़क दुर्घटना में मौत, बस ने सिटी ऑटो को मारी टक्कर जिसके चलते हुई थी घटना, पुलिस ने घातक बस चालक को किया गिरफ्तार, सिलीगुड़ी के कोटमोड़ के पास की घटना। सिलीगुड़ी नगर निगम ने वार्ड नंबर 5 में अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, हाइड्रेन पर कब्जा कर बनाए गए दुकान को निगम ने तोड़ा। जमीन कब्जा मामले में गिरफ्तार निष्कासित तृणमूल नेता देवाशीष परमानी की एक बार फिर जलपाईगुड़ी कोर्ट में हुई पेशी, 26 जून की रात एनजेपी थाना की पुलिस ने किया था गिरफ्तार। आगामी 10 जुलाई को रायगंज में विधानसभा उपचुनाव, चुनाव प्रचार के उद्देश्य से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, रायगंज हुए रवाना। रात के समय सड़कों पर नाइट वॉक करते दिखे दो हाथी, हाथी को देखने उमड़ी लोगों की भीड़, सिलीगुड़ी के शालुगारा बाजार की घटना। फुलवारी के सिपाहीपाड़ा इलाके में सड़क की हालत बदहाल, सड़क मरम्मत की मांग में लोगों ने किया प्रदर्शन। सब्जियों की आड़ में मवेशियों की तस्करी, दो गिरफ्तार, बंगाल बिहार सीमा इलाके के खोरीबाड़ी चक्करमारी की घटना। सिलीगुड़ी के पास कावाखाली सीआरपीएफ कैंप में एक संस्था की तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम, लगाए गए करीब 1000 पौधे। राजगंज अंतर्गत हरियाड़बाड़ी इलाके में बारिश के कारण कलवट का एक हिस्सा ढहा, ग्रामीणों को हादसे की आशंका का डर। अलीपुर द्वार के कालचीनी ब्लॉक अंतर्गत संताली बस्ती इलाके में जंगली हाथियों ने शालबाड़ी आईटीडीबी स्कूल में मचाया तांडव, स्कूल के कुछ हिस्सों को किया क्षतिग्रस्त। रैपिड टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलवी टाइम्स।